गुलबर्गा शहर के चौक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर हलीगोदी और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने एक लॉरी जिसमें 460 प्लास्टिक बैग्स में राशन के चावल ले जाया जा रहा था उसको जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि चौक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राशन के चावल को महाराष्ट्र के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। चौक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर हलीगोदी और उनकी टीम और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने रेड करके चेक करने के बाद एक कंटेनर में से 460 प्लास्टिक के थैलों में से राशन के चावल निकले हैं। ड्राइवर को अरेस्ट करने के बाद ड्राइवर ने बताया कि ये राशन के चावल पनवेल महाराष्ट्र के लिए लेके जा रहा था एक कंटेनर में। कंटेनर के ड्राइवर को मजीद पूछताछ चल रही है चौक पुलिस स्टेशन में। ಇದು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ